अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए बहुत ही आसान, टेस्टी, बहुत ही जल्दी बनने वाले लंच की थाली हमने प्रिपेयर की है। उसमें हमने बनाए हैं मसूर, खड़े मसूर जो बोलते हैं ना, वो हमने बनाकर रेडी किए हैं। उसके साथ हमने चटनी और ये हमने बनाई है भाकरी। तो मसूर बहुत ही आसान है, बहुत सारे लोग बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो मसूर की रेसिपी हम शेयर करेंगे। अगर आपको इस तरह से कोई कंप्लीट मील चाहिए तो आप हमको कमेंट में भी बता सकते हैं, तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमने सिर्फ मसूर की ही रेसिपी आपको शेयर की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना मज़ेदार हमारा ये लंच तैयार होता है, संडे स्पेशल। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखा ना कितना मज़ेदार सा हमने बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से एक थाली बनाई है सिर्फ मसूर से, और ये बिल्कुल कंप्लीट मील हमारा तैयार हो जाता है। तो हम मसूर की आज रेसिपी देखते हैं, बहुत ही आसान और मज़ेदार। जब भी आपका मन करे इस तरह से बना सकते हैं, खा सकते हैं, दाल चावल के साथ या रोटी के साथ, जो भी आपको पसंद है। तो हमने आपके साथ जिस तरह शेयर करें उस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमने लिए हैं मसूर, और मसूर को हमने अच्छे से 3 से 4 घंटे भिगो कर रखा है। तो यहाँ पर ये मसूर देख सकते हैं हमारे अच्छे से भीग चुके हैं, अच्छे से सोख कर लिया है पानी, तो ये जल्दी पक जाएंगे। तो इसके लिए मसाला देख लेते हैं। हमने 200 ग्राम मसूर लिया है, उसके लिए हमने लिया है ये खोपरा, ये सूखा खोपरा आता है ना, कोकोनट ड्राई वाला, ये लिया है और इसको हमने भून लिया है। तो ये 2 से 3 इंच का टुकड़ा हमने लिया था। 3 से 4 लिए हरी मिर्ची, और लहसुन लिया है हमने 10 से 12 कली, ये इस तरह से मीडियम साइज़ की लहसुन है। और अदरक का टुकड़ा लिया है हमने 1/2 से 1 इंच, अदरक थोड़ा सा कम जाता है इस ग्रेवी में। तो ये 1/2 मुट्ठी हमने लिया है हरा धनिया अच्छा सा फ्रेश वाला, और 2 प्याज लिए है छोटे साइज़ के, और 1 टमाटर लिया है, और जिसको हमने भून लिया था गैस पर, जो हमने आपको बता दिया है। तो इस तरह से भूनने से क्या होता है, प्याज और टमाटर का टेस्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये मीडियम साइज़ की, छोटी साइज़ की 2 प्याज है, और ये खोपराई को भी हमने सेम उसी तरह से भून लिया था। तो चारों आप एक साथ रख सकते हैं, मतलब टमाटर, 2 प्याज और खोपरा रख सकते हैं और भून सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये मसाला हम पीस लेते हैं। इस तरह से फ्रेश मसाला हम पीसने से बहुत ही टेस्टी बनता है खाना। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है मिर्ची, टमाटर डाल देंगे, सारे मसालों को हम पीसने वाले हैं। ये हमारा कोकोनट गया खोपरा, और ये हमने प्याज भी डाल दिए है। अब इसको अच्छे से बारीक पीसना है। सबसे पहले डालेंगे हम इसके अंदर ज़ीरा। तो 1 चाय का चम्मच जो आता है ना, वो हमने ज़ीरा लिया है। 1/2 टीस्पून लिया है हमने हल्दी पाउडर। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे 1/4 कप के करीब, और इसको हम अच्छे से बारीक पीस लेंगे, क्योंकि कोकोनट है तो पीसने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, अच्छा सा बारीक पीसना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से बारीक हो गया है। मसाले को रख देंगे हम साइड में। एक कढ़ाई ले ली है हमने, कढ़ाई के अंदर डाल देंगे हम तेल। तेल हमने डाला है 3 से 4 टेबल स्पून भरकर। तेल हमने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, आप कम डाल सकते हैं। और जो मसाला हमने पीस लिया है ना, इसको हम डाल देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे पाउडर मसाले, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1.5 चम्मच लिया है हमने धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून के करीब हम डाल देंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर, और 1/2 टीस्पून हम डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, ताकि अच्छे से खुशबू आए हमारे सालन में, ग्रेवी में, ठीक है। तो ये सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। ज़ीरा तो हमने पीसने के लिए ले लिया था, तो हम ज़ीरे का पाउडर नहीं यूज़ करेंगे अभी। तो यहाँ पर सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि इसका तेल हल्का सा सेपरेट हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे मसालों में। तो यहाँ पर देख सकते हैं हल्का सा तेल सेपरेट हो रहा है, तो हम 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको ढककर अच्छे से पकने देते हैं। तो 1.5 मिनट के करीब हमने पका लिया, ऐसे ढक दिया था ताकि इसके छींटे ना उड़े। और ये देख सकते हैं ये मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। अब मसूर हम डाल देते हैं। मसूर को हमने अच्छे से धो लिया था, क्लीन कर लिया था भिगोने के बाद भी। तो ये मसूर हमने डाल दिए हैं, और इसमें एक बार चम्मच चला लेंगे मसालों के साथ, अच्छे से मसूर को हम मिक्स कर लेते हैं। तो अब इसी के साथ साथ हम नमक भी डाल लेते हैं। 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हमने नमक लिया है। तो मसाले की क्वांटिटी हम डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो नमक डालकर भी हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं।
तो इसको आप कुकर में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो सेम प्रोसेस करें और कुकर में बना लें, तो उससे आपका टाइम भी बच जाता है बहुत जल्दी। 1.5 से 2 सीटी में, मतलब 2 सीटी में कुकर में अच्छे से मसूर हमारे पक जाते हैं। तो यहाँ पर हमने मिक्स किया है सारे मसालों को और इसको हम 5 मिनट तक अच्छे से इसी मसालों में पकने देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना, हमने मसाला और मसूर को यहाँ पर पका लिया है 5 मिनट तक, ताकि मसूर का फ्लेवर है ना अच्छा सा हो जाए, मतलब मसालों का जो फ्लेवर है वो मसूर के अंदर तक चला जाए। अब यहाँ पर डालेंगे हम थोड़ा सा धनिया। हम धनिया पीसने में लेते हैं और बारीक काट कर डालते हैं ना मसाला भूनते टाइम, दोनों का जो फ्लेवर है वो अलग आता है। तो यहाँ पर अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे ताकि मसूर जो है हमारे पक जाए। तो हमने मिक्सी की जार में ही 1 गिलास पानी डाल दिया था। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 1 से 1.5 गिलास पानी हमने डाला है इसके अंदर, ताकि मसूर हमारे अच्छे से गल जाए। अगर आप कुकर में बना सकते हैं ना तो पानी थोड़ा सा कम डालें, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें अच्छा सा बॉईल आने लग गया है, तो इसको हम ढक देंगे और जब तक हमारे मसूर गल ना जाए तब तक हम इसको पका लेंगे, जब तक कि 15 से 20 मिनट लगेंगे मसूर को पकने के लिए। जितना ज़्यादा मसूर आपके भीगे होंगे ना, सोख हुए होंगे, उतना कम टाइम लगता है इसको पकने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 15 मिनट तक हो चुके हैं, तो हम इसको खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। बीच में आप चम्मच चला सकते हैं, हमने कोई चम्मच नहीं चलाया है, बहुत ही आसानी से हमने बना लिए हैं, क्योंकि मसूर अच्छे से भीगे हुए 3-4 मिनट। तो यहाँ पर देख सकते हैं मसूर हमारे अच्छे से गल गए हैं। गैस की फ्लेम हम बंद करेंगे, या तो फिर गैस की फ्लेम एकदम स्लो ही है हमारी, तो हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे और इसको एक मज़ेदार सा तड़का देंगे, ताकि इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाए। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच घी लिया है और इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ी सी कड़ी पत्ता, 10 से 12 कड़ी पत्ता डाल देंगे हम। और 1 चम्मच हमने लिया है चॉप किया हुआ लहसुन, मतलब 4 से 5 कली लहसुन के लिए और बारीक चॉप कर लिया है। 1 हमने मिर्ची लिया है, ये लाल मिर्ची हमारे पास था तो हमने लाल लिया है, हरा है तो हरा ले ले, ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आता है ये तड़के का। और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन कलर हो चुका है हमारे लहसुन का, देख सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1/4 टीस्पून के करीब कश्मीर रेड चिली पाउडर और गैस की फ्लेम कर देंगे बंद और तड़के को डाल देंगे हम मसूर के ऊपर, ताकि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो ये तड़का डाल देंगे, अच्छे से पूरी जगह फैला लेंगे और थोड़ा सा हम पानी डाल रहे हैं, ताकि मसूर है ना बाद में थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है ना, थोड़ा सा पानी डालेंगे और 5 से 7 मिनट इसको फिर से पका लेंगे, ताकि जो हमने लहसुन और इसका तड़का लगाया है ना, उसका पूरा फ्लेवर हमारे मसूर के अंदर चला जाए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक बार चम्मच चला लेंगे और इसको 5 मिनट पकने देते हैं। गैस की फ्लेम रखेंगे लो टू मीडियम, ताकि ऊपर से हल्का सा तेल भी आ जाएगा, जो हमने तेल डाला हुआ है ना इसके अंदर, तो वो भी सेपरेट होने लगेगा। तो बाद में हम इसके ऊपर धनिया डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने धनिया डाल दी है, गैस की फ्लेम कर दी है बंद। एक बार इसमें चम्मच चला लेंगे, धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ हमने बनाई है भाकरी। तो अगर भाकरी की वीडियो और रेसिपी चाहिए तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। तो ये देसी घी में हमारी मज़ेदार सी भाकरी भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो मसूर को हम कर लेते हैं सर्व। तो यहाँ पर हमारे मसूर देख सकते हैं आप, बहुत ही टेस्टी दिख रहे हैं ना, और बहुत ही आसान है बनाने में। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं, खा सकते हैं। संडे स्पेशल वेज थाली भी बना सकते हैं आप, मसूर दाल चावल पापड़ और खा सकते हैं। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाकर ट्राई करें, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।